बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको होममेड बाउंड्री चॉकलेट बनाना बताती हूँ, तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, ये पिसा हुआ कोकोनट है 1 कप। यहाँ पर मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क है और ये चॉकलेट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले ये कोकोनट हम अपने बाउल में, बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद ये इस कंडेंस मिल्क है, हम थोड़ा थोड़ा प्रेस में कंडेंस मिल्क डालेंगे। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और हमें एक इसकी ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, हमें 2 टाइप इसकी बनानी है कोकोनट की। वापस थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे, इसे वापस मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह की, ये बस हमारी डो बननी चाहिए, ना ज़्यादा नरम होगी ना ज़्यादा सख्त होगी। तकरीबन 1 कप ये कोकोनट में आधा कप आपका कंडेंस मिल्क चला जाएगा। इस तरह बनाने के बाद इस तरह को कोई स्पून ले लें या हाथ से ही कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं, ऑप्शनल है। बस हमें ये रखना है कि हमारी ये जो बाउंड्रीज़ है ये एक जितनी बने, तो ये आप इतने हिसाब से ये लेकर कोकोनट को इस तरह से हम बाउंड्री की शेप बना लेंगे इस तरह से। इस तरह के आप बाउंड्री की शेप बना लें, थोड़ा सा इसको यहाँ से खोल करके जिस तरह के बाउंड्री का शेप होता है इस तरह के हम सारे शेप बना लेंगे। ये देखिए हमारी ये सारी चॉकलेट्स बन गई है बाउंड्री की। ये आप इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पे देखें ये बॉल लेके हम ये जो चॉकलेट है इसके पीसेस करके इसे हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो ये सारी चॉकलेट इसमें निकाल के छोटे छोटे पीसेस में इसको कर लें चॉकलेट को। ये मैंने इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। देखिए इतने थोड़े थोड़े धुएँ आ रहे हैं। यहाँ पर हमें अपनी चॉकलेट रख के इसे हम मेल्ट करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अभी इसे हमारी फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम अपनी चॉकलेट पे, अपनी बाउंड्री पे चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। हमारी ये बाउंड्री लेकर इसे हम ये अपनी चॉकलेट में डालेंगे और इसके ऊपर चॉकलेट से कवर कर दें। देखें इसको चॉकलेट पे कोट करने के बाद यहाँ पर मैंने बटर पेपर रख दिया है। यहाँ हम अपनी सारी एक एक करके बाउंड्री डालते जाएंगे चॉकलेट में कोट करके और रखते जाएंगे। ये देखें सबको मैंने इसमें कोट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से जैसा कि बाउंड्री के ऊपर मार्क होते हैं, आप इस तरह से चाहें तो इसमें मार्क डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो डालें, इस तरह से हल्के हल्के से बस मार्क्स डाल दें इसके ऊपर। और फिर ये थोड़ी देर में जब इसकी चॉकलेट सेट हो जाती है फिर हम इसका फाइनल लुक आपको बताते हैं। ये देखिए हमारी बाउंड्री चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनी है। इस तरह से आप घर पे ये चॉकलेट रेडी कर सकते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनती है। तो ज़रूर इस चॉकलेट को ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। स्पेशली बच्चों को ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, उनको भी दें, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा इंस्टाग्राम भी, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।